भारती, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। कॉमेडी सर्कस हमने सुना था कि वो आने वाला है। बिल्कुल, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही कॉमेडी सर्कस, हमारा कुछ और प्लान चल रहा है। सो बहुत एक्साइटेड है, और टीवी से थोड़ा गैप लिया था 4-5-6 महीने का, तो कुछ सोच के लिया था। सो अभी कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप फैमिली हैं, आप ही हमें बनाते हैं। सो जल्दी एक बार आप फिर से मिलते हैं और आपको बताते हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या आ रहा है। तो कृष्णा के साथ करना चाहेंगी या कपिल के साथ? मैं दोनों के साथ करना चाहूँगी भाई, दोनों ही बिजी हैं। एक घूमने में कपिल भाई बिजी हैं, कृष्णा फिल्म ही करी जा रहा है, और मैं देखो कुछ भी नहीं। सो जल्दी करेंगे। लास्टली एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप भी सेम फ्रेटर्नी से कॉमेडी से, सो कपिल का जैसे शो अभी ऑफ एयर हो गया, सो आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या वजह रही और अब क्या होगा? सिंगम में मैंने एक डायलॉग सुना था कि अगर शेर एक कदम पीछे जाता है ना तो झपटा मारने के लिए जाता है, अगर कपिल भाई एक कदम पीछे गए हैं तो झपटा मारने के लिए आएंगे, और बहुत ज़्यादा बज़ के साथ आएंगे। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरे टीचर मेरे गुरु रहे हैं, तो गुरु आगे आए तो शिष्य को वैसे बड़ी खुशी होती है। सो कपिल भाई, आई लव यू, बहुत बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं। आ जाओ और दिखा दो कि यस, कॉमेडी किंग एक ही है, कपिल शर्मा।